मेरी किचन में आपका स्वागत है। मैं आज बनाऊंगी फ्रूट कस्टर्ड। तो उसके लिए मैंने अनार, मैंगो, एप्पल और एक बनाना लिया है। बनाना को मैंने अभी कट नहीं किया है, पहले से काट करने से ये ब्लैक हो जाता है, इसलिए मैं इसे साथ में ही कट करूंगी। और मैंने सबको इस तरीके से टुकड़ों में कट कर लिया है। इसमें आप फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ग्रेप्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं गैस पर एक बर्तन रखूंगी। मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है, इसमें ऐड करूंगी मैं दूध। ये मैंने आधा लीटर दूध लिया है, 2 गिलास के करीब दूध है ये। इसे हम दूध को हम अच्छे से बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना कस्टर्ड पाउडर तैयार करते हैं। मैंने एक कटोरी ली है, अब इस कटोरी में मैं 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूंगी। मैंने मीडियम साइज की चम्मच ली है। अब इसमें हम ये मैंने 1 कप दूध लिया है, ये दूध उससे अलग दूध है, आप चाहो तो उसी में से भी कर सकते हो। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से इसका एक घोल बनाएंगे। इसको इस अच्छे से फेंटेंगे जिससे इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से एक घोल बना दिया है, इसमें एक भी लम्स नहीं है। मैंने इसमें 1 कप जो दूध मैंने लिया था उसमें सारा दूध ऐड कर दिया है इसमें। अब हम अपना दूध चेक करते हैं, हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। अब चीनी को अच्छे से इसमें मिलने तक इसे और पकाएंगे दूध को। हमारी चीनी अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है। अब इसमें गैस को हम मैंने लो कर दूंगी इस टाइम पर मैं। अब इसमें हम अपना कस्टर्ड मिलाएंगे। एक साथ हमें इसे नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हुए हम इसे इसमें ऐड करेंगे। इसी तरीके से हम अपना इसमें सारा कस्टर्ड ऐड करेंगे चलाते हुए। इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। मैंने अपना सारा कस्टर्ड इसमें दूध में मिक्स कर दिया है। अब इसे हम 5-7 मिनट के लिए इसमें दूध में चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर ही इसे पकाएंगे। 5-7 मिनट में ही ये अच्छे से हमारा दूध और कस्टर्ड अच्छे से एक घोल जैसा बन जाएगा, बहुत ही अच्छा। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए चलाया है। अब ये हमारा घोल बनकर तैयार है। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा हो जाता है। बस गैस ऑफ कर देते हैं मैं इसे गैस से। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, आप चाहो तो इसे पंखे में भी रख सकते हो। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें अपने फ्रूट्स ऐड करेंगे। देखिए हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है। अब इसे मैं इसमें एक बाउल में ऐड करूंगी। अब इसमें हम अपने फ्रूट्स ऐड करेंगे, बनाना, एप्पल और मैंगो। अब इनको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने अच्छे से फ्रूट्स को मिक्स कर दिया है। अब इसे हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे तक रखेंगे, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे। कस्टर्ड को 4 घंटे हो चुके हैं फ्रिज में रखे हुए, मैंने इसे निकाल लिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। अब इसे मैं एक कटोरी में सर्व करूंगी। आप एक बार इस तरीके से कस्टर्ड बनाना फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम ऊपर से अनार के दाने से गार्निश करेंगे। आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो। बस हमारा फ्रूट कस्टर्ड बनकर तैयार है। थैंक यू।